जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में संस्कृत का 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। यदि आप लोग का संस्कृत का पेपर बहुत कमजोर है और संस्कृत में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा। तो चलिए, हम लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा महर्षि वेद व्यास, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा आप लोग महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, बताइए आप लोग। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो आप लोग बोलिएगा 5, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अणु से छोटा कौन है, बताइए आप लोग। अणु से छोटा कौन है, तो बोलिएगा आप लोग आत्मा, ऑप्शन वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है किसकी जय होती है, तो बोलिएगा आप लोग सत्य की होती है, सत्य के नहीं, आप लोग मारेगा सत्य की होती है जय। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, वाहती नदी कहाँ मिलती है, तो आप लोग बोलिए वाहती नदी कहाँ मिलती है, तो बोलिएगा आप लोग समुद्र में, ऑप्शन सी, समुद्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, फुलेनर जी के साथ कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो आप लोग बोलिएगा आत्मा, ऑप्शन ए, ठीक है, आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है, बताइए आप लोग। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है, तो आप लोग बोलिएगा परमात्मा में, किसमें मिल जाता है, तो परमात्मा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो बोलिएगा आप लोग सत्य से, किससे, तो सत्य से, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा सत्य से जो प्राप्त होता है देवलोक होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, आपका अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु को वश में करने कौन कर लेते हैं, बताइए आप लोग। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, तो आप लोग बोलिएगा विद्वान, ऑप्शन सी, विद्वान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि किसकी जय नहीं होती है, किसकी जय नहीं होती। देखिए हम अगला क्वेश्चन बताए थे कि किसकी जय होती है, तो बोलते हैं आप लोग सत्य के, सत्य की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती, तो आपका ऑप्शन वी होगा, ऑप्शन वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषदों की संख्या कितनी है, बताइए आप लोग। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108, कितने हैं, 108। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फुल एनर्जी के साथ कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया, बताइए आप लोग। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा परमात्मा, चलिए। तो आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, बताइए आप लोग। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो बोलिएगा आप लोग हिरण्य पात्र, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है, तो आप लोग बोलिएगा देवलोक, ऑप्शन सी, देवलोक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो आप लोग बोलिएगा दर्शन शास्त्र है, ठीक है, ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो बोलिएगा आप लोग सत्य मार्ग, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आप लोग बोलिएगा आत्मा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कि 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नदियों क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो नदियों क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो बोलिएगा आप लोग रूप और नाम, ठीक है, दोनों मिल जाता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, तो हिरण्यमयन पात्र को, ठीक है, ऑप्शन डी, हिरण्यमयन पात्र को। चलिए साधक किसको पार करते हैं, तो साधक जो पार करते हैं मृत्यु को, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, मृत्यु को।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है बताइए आप लोग। तो ईश्वर जो है सत्य है, ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी होगा सत्य है, ईश्वर क्या है तो सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो आप लोग बोलिएगा विद्या, ऑप्शन बी ठीक है विद्या होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, आपका अगला क्वेश्चन है कि किनकी महिमा का गान होता है, किनकी महिमा का गान होता है, तो आप लोग बोलिएगा परमात्मा, ऑप्शन डी होगा ठीक है परमात्मा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो बोलिएगा आप लोग आत्मा परमात्मा साहित्य इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलिएगा परमात्मा, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, फुल एनर्जी के साथ सत्य में किसका रास्ता प्रशस्त होता है बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा देवलोक, ऑप्शन बी ठीक है देवलोक। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश में नहीं किया जा सकता है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग बोलिएगा आत्मा, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ बताइए आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बोलिएगा मध्यकाल में, ऑप्शन सी ठीक है मध्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि पटना का पुराना नाम क्या है, पटना का पुराना नाम क्या है, तो बोलिएगा पुष्पपुर, पटना का जो पुराना नाम है पुष्पपुर है ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए 30 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आगे बाकी है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है बताइए आप लोग, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो बोलिएगा आप लोग गांधी सेतु, क्या है तो गांधी सेतु ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, तो बोलिएगा आप लोग मेगास्थनीज, ऑप्शन ए मेगास्थनीज ठीक है ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग को ये बात पता होगा कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, कॉमेडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, कॉमेडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो आप लोग बोलिएगा पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में ऑप्शन सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बोलिएगा आप लोग विद्यापति, विद्यापति ऑप्शन ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, 36 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, किसकी गाड़ी चलती है, तो आप लोग बोलिएगा समाज की, ऑप्शन डी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा आप लोग महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ऑप्शन सी होगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि अलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है, अलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो बोलिएगा आप लोग पुरुष परीक्षा ऑप्शन बी होगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा औरत ठीक है ऑप्शन डी होगा औरत। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए आप लोग, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइएगा पटना में ठीक है, जो कि हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो आप लोग बोलिएगा भारत की ठीक है ऑप्शन बी होगा, भारत की सर्वत्र महिमा गाई जाती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था, तो बोलिएगा वीरेश्वर, वीरेश्वर मिथिला का जो मंत्री है वीरेश्वर है, ऑप्शन डी होगा ठीक है। चलिए शंकर चरित्रम की रचना किसने की, शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो आप लोग बोलिएगा पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव ऑप्शन डी होगा ठीक है। चलिए इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा भारत ऑप्शन ए ठीक है भारत। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो बोलिएगा आप लोग जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व ठीक है बताइए आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो बोलिएगा पटन देवी ऑप्शन सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आप लोग बोलिएगा आलस्य
ठीक है। ऑप्शन सी जो कि अभी आप लोग आलस में यदि पढ़ गए तो आप लोग को मात्र 3 से 4 दिन बाकी है एग्जाम में, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, आलस को छोड़िए। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं की वर्णन है, तो आप लोग बोलिएगा कि 24, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं जो कि है भारत, ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि चुड्डा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, सॉरी चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, तो आप सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से होगा, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, तो बोलिएगा शैशवावस्था, ऑप्शन सी। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान जो होता है विवाह में होता है, ऑप्शन बी। चलिए भीष्म भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता, कौन कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोग बोलिएगा आलसी लोग, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो आप लोग बोलिएगा 5, ऑप्शन बी। चलिए कौन गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा देवता, ऑप्शन ए, देवता लोग गीत गाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 55 नंबर क्वेश्चन कि मरने के बाद कौन संस्कार होता है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है, तो आप लोग बोलिएगा दाह संस्कार, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा दाह संस्कार। चले वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो आप लोग बोलिएगा मिथिला में, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मिथिला में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग, 57 नंबर क्वेश्चन, अच्युत राय की रानी कौन थी बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा त्रुम्बलंबा, ऑप्शन डी। चलिए भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा देवता, ऑप्शन ए, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि यज्ञवालिके ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आप लोग बोलिएगा आत्म तत्व, ठीक। चलिए अगर 60 नंबर क्वेश्चन है कि आलस्यों का कौन सा अनन और वस्त्र देते थे, तो आपका आंसर होगा वीरेश्वर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो आप लोग बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा गर्गी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, गर्गी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो आप बोलिएगा वहाँ पटना, यहाँ, तो आप लोग बोलिएगा सभी जगह, ऑप्शन डी होगा, सभी जगह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, आलसी पुरुष कितने थे, तो बोलिएगा आप लोग आलसी पुरुष टोटल थे 4, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, भारत भूमि किससे सेवित है, तो बोलिएगा आप लोग सागर पर्वत झरना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए कुटीट निमता में के रचनाकार कौन है, कुटीट के रचनाकार, तो आप लोग बोलिएगा दामोदर गुप्त, ठीक है। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन है कि अलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा आलस, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है, तो आपका ऑप्शन सी होगा मिथिलस कुमारी मिश्रा, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका अगला 69 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो बोलिएगा आप लोग आलसालियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए जगत का गौरव कौन है, तो बोलिएगा जगत का गौरव जो है भारत है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो बोलिएगा आप लोग मौर्य वंश, ऑप्शन ए, मौर्य वंश, ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो अब बोलिएगा 13, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो बोलिएगा आप लोग मानव गुण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, पंडित
क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो आप लोग बोलिएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। चलिए भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि सिखों के दसवें गुरु कौन थे? सिखों के दसवें गुरु कौन थे? तो बोलिएगा आप लोग गुरु गोविंद सिंह। चलिए कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोलिएगा आप लोग आलसियों की, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? तो आप लोग बोलिएगा पंडित शंकर पांडुरंगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बोलिएगा पाटलीग्राम, ऑप्शन सी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? कौन भाग गए थे? तो बोलिएगा आप लोग धूर्त, ठीक है। ये कहानी आप लोग यदि पढ़े होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग से बन रहा होगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो बोलिएगा आप लोग विशाल है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोलिएगा आप लोग उत्तर में, ठीक है, ऑप्शन सी, उत्तर में। चलिए जी अगला 82 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा बचपन, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा एकता, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, एकता। चलिए अगला आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है बताइए आप लोग, आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बोलिएगा पुरुष परीक्षा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बोलिएगा आप लोग बुद्ध, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो आप लोग अभी पढ़े हैं तो आप लोग बोलिएगा आग, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवालिकाएं किसकी शिक्षा देते हैं? यज्ञवालिकाएं किसकी शिक्षा देती है? तो बोलिएगा आत्म तत्व की, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन ए होगा, पटना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चारों आलस्यों का क्या पकड़ाकर बाहर निकाल दिया? तो बोलिएगा आप लोग केस, ठीक है, ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो आप लोग बोलिएगा विजय वाटरिका, ऑप्शन बी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो आप लोग बोलिएगा भगवत पुराण से, ऑप्शन बी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास वर्तमान कितना पुराना है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा 2000, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो आप लोग बोलिए कंप नराय, ऑप्शन डी। चलिए गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोग का आंसर होगा एक, ऑप्शन ए। चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग बोलिएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, आलस्यों का रक्षक कौन होता है? आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो बोलिएगा आप लोग दयावान, ऑप्शन बी होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो बोलिएगा आप लोग हिमालय। चलिए अरे हल्ला कैसा किसने बोला? अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो आप लोग बोलिएगा प्रथम पुरुष, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट होने वाला है। तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष के जन्म स्थल ये है? तो आप लोग बोलिएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का अब 101 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। पहले तो आपका 101 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग के लिए सदा कौन पूजनीय है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा भारत, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, भारत। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, पाटलिपुत्र में कौन वार वार आए थे? तो बोलिएगा आप लोग भगवान ने बुद्ध हो गए, ऑप्शन सी, भगवान ने बुद्ध।
चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन आलस्यों को बाहर निकाला, कौन आलस्यों को बाहर निकाला, तो बोलिएगा नियोगी पुरुष, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नियोगी पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फुल एनर्जी के साथ, कि विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, तो आप लोग बोलिएगा विद्यापति जो है कवि है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो बोलिएगा तिरुमलम्बा, तिरुमलम्बा ऑप्शन सी। पटना में कॉमेडी महोत्सव कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग कब मनाया जाता था, तो आप लोग बोलिएगा गुप्त वंशकाल, गुप्त वंशकाल, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, बनावटी आलस्य देखकर दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो आप लोग बोलिएगा धूर्त, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए भारत में जन्म लेने वाला किसकी, किनकी सेवा करते हैं, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं, तो श्री हरि का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा श्री हरि। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं, ठीक है, 6 संस्कार होते हैं। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री, ऑप्शन बी, चलिए मिथिला का मंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुड़ंगा देवी का समय क्या था, गड़ंगा देवी का समय क्या था, तो बोलिएगा 14वीं सदी से, ऑप्शन ए 14वीं सदी। चलिए मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो बोलिएगा आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन सी। चलिए संस्कार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन है, संस्कार में सॉरी संस एक मिनट संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन है, तो आप लोग बोलिएगा माता उनका, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा भारत में, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए होगा, भारत में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए 115 नंबर क्वेश्चन, कैश्याम वर्ण कौन थी, श्याम वर्ण कौन थी, तो बोलिएगा आप लोग विजय अंका, विजय अंका, ऑप्शन बी। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा विद्यापति, विद्यापति ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, कॉमेडी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, तो बोलिएगा आप लोग दुर्गा पूजा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी ने सर्वकुशल सर्व शुक्ला किसे कहा, तो बोलिए आप लोग विजय अंका, ऑप्शन ए होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, गर्भधारण किस संस्कार में होता है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है, तो बोलिएगा जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, योग सूत्र के रचनाकार है, योग सूत्र के रचनाकार है, तो बोलिएगा आप लोग पतंजलि, पतंजलि ऑप्शन सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो आप लोग बोलिएगा पति, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो बोलिएगा आप लोग भारत है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो बोलिएगा आप लोग कॉमेडी महोत्सव, ऑप्शन डी। चलिए प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में शिष्यों का क्या कहा जाता था, तो बोलिएगा आप लोग ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं, तो गुरु शिष्य को ले जाते हैं घर, ऑप्शन बी। पति किसका रक्षक होता है, पति किसका रक्षक होता है, तो बोलिएगा आप लोग स्त्रियों का, ऑप्शन ए। चलिए जी बच्चों का रक्षक कौन होता है, बताइए आप लोग बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो आप लोग बोलिएगा माता, ऑप्शन सी। चलिए व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो व्याकरण के रचनाकार जो है पाणिनी है, ठीक है, पाणिनी, चलिए ऑप्शन बी। हम सब का कर्तव्य क्या है, हम सबों का कर्तव्य क्या है, तो आप लोग बोलिएगा देशभक्ति, देशभक्ति हमारा कर्तव्य। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा शिष्य, ऑप्शन सी। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन वी,
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो आप लोग बोलिएगा भारत भूमि, ऑप्शन सी। चलिए, गुरु शिष्य को क्या देखकर घर भेजते थे? गुरु शिष्य को क्या देखकर घर भेजते थे? तो बोलिएगा आप लोग उपदेश, ऑप्शन बी, जिसे हम लोग बोलते हैं अब होमवर्क। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? कौन से गुरु थे? तो आप लोग बोलिएगा 10वें गुरु, ऑप्शन डी। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? बताइए आप लोग, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? तो आप लोग बोलिएगा आलसी, ऑप्शन डी। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो बोलिएगा महात्मा विदुर, महात्मा विदुर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो आप लोग बोलिए गुरु के घर, गुरु के घर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो बोलिएगा आप लोग काव्य मीमांस, ऑप्शन ए काव्य मीमांस। भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो बोलिएगा आप लोग आलसी, ऑप्शन बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर रूप में कौन था, कौन ग्रंथ है? बताइए आप लोग प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो बोलिएगा विदुर नीति, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताइए आप लोग, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका अपना परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से आप लोग अपना परिवार में आकर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर सके। तो आप लोग का अपना परिवार इंतज़ार कर रहा है, तो जल्दी से आइए आप लोग, अपना अपना परिवार में आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो आपका 141 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो इंद्रलोक जो कहा गया, पाटलिपुत्र का कहा गया, ऑप्शन डी होगा। चलिए, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो बोलिएगा आप लोग पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। चलिए जी, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो बोलिएगा आप लोग आलसी, ऑप्शन बी आलसी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो आप लोग बोलिएगा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, ऑप्शन डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो आप लोग बोलेगा पाटलिपुत्र। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो बोलिएगा आप लोग चतुर्थ। ठीक है, यदि आप लोग ये वीडियो को मजाक में ले रहे हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, और आप लोग यदि संस्कृत का पेपर देकर आइएगा तो यदि 50 में 50 नहीं सही किए तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आकर बताइएगा कि आप वाला आप जो पढ़ाएं उसमें आप लोग का क्वेश्चन नहीं लड़ा। तो आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पूरा बारीकी से, ताकि आप लोग को दोस्तों को पास भी भेज सकते हैं ये वीडियो, आप लोग को बहुत ज़्यादा ये वीडियो फायदा करेगा। ये हमारा मकसद नहीं है कि आप लोग को सिर्फ हमारा व्यू चाहिए। ठीक है, ये हमारा कभी नहीं मकसद होता कि हमारा मकसद व्यू चाहिए। हमारा मतलब है कि थोड़ा सा भी, थोड़ा ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा देने के। ठीक है, बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे टीचर कि 400 क्वेश्चन कराने में तीन तीन घंटा, चार चार घंटा लगा देते हैं, लेकिन हम एक घंटा में कंप्लीट करते हैं 400 क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग एक घंटा में 400 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, और यही वीडियो से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। साइंस का क्वेश्चन करा चुके 400, आर्ट्स का क्वेश्चन 400 करा चुके, और बाकी रहा संस्कृत का 400 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग संस्कृत के बाद अब हिंदी आएगा, फिर मैथ आएगा अंतिम दिन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते तो हमारा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा का संस्कार का नाम क्या है? तो बोलिएगा संवर्तनम, संवर्तनम। ठीक है, ऑप्शन बी। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो बोलिएगा आप लोग पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के टोटल द्वार है 3, ऑप्शन सी हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो बोलिएगा आप लोग गोदन, ऑप्शन ए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? तो बोलिएगा क्षमा जो हत्या करता है क्रोध को, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? बताइए आप लोग जी। तो आप लोग बोलिएगा
कि आधुनिक काल, ऑप्शन ए आधुनिक काल। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीरत वीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो आप लोग बोलेगा दलित, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, तो बताइए आप लोग कहाँ के रहने वाला था, तो आप लोग बोलिएगा भिखन टोला, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है किससे सुख की प्राप्ति होती है, किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि अहिंसा से होती है, ऑप्शन बी अहिंसा से होती है सुख की प्राप्ति। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग 155 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, तो आप लोग बोलिएगा राम प्रवेश राम को, राम प्रवेश राम को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि कौन ऐसा धन है जिसमें संतुष्ट मिलती है, कौन ऐसा धन, ऐसा धन है जो जिससे संतुष्ट मिलती है, तो आप लोग बोलिएगा विद्या, ऑप्शन सी विद्या जो है कि उससे खुशी मिलती है। चलिए कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया, कहाँ उन्नत स्थान पाया, तो आप लोग बोलिएगा केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में, केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में, ठीक है जी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया, बताइए, तो आप लोग बोलिएगा शिक्षक के, ऑप्शन डी शिक्षक के। चलिए जी धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो बोलिएगा आप लोग सत्य से, ऑप्शन ए। चलिए भिखन टोला किस प्रांत में है, भिखन टोला किस प्रांत में है, तो आप लोग बोलिएगा बिहार में है, ठीक है, ये जो भिखन टोला है बिहार में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो आप लोग बोलिएगा बिरजानंद, बिरजानंद, ऑप्शन सी। चलिए जी भिखन टोला देखने कौन आए, भिखन टोला देखने कौन आए, तो बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा शिक्षक, ऑप्शन ए शिक्षक थे, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग कि रूप की रक्षा किससे होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो आप लोग बोलिएगा रूप की रक्षा जो होती है आपका आंसर होगा उबटन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होगा उबटन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में, विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो आप लोग बोलिएगा प्रथम, ऑप्शन सी प्रथम। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, तो आप लोग बोलिएगा संस्कृत, ऑप्शन डी। चलिए घर की लक्ष्मी कौन थी, कौन होती है, घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो आप लोग बोलिएगा स्त्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 168 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस प्रकार की, किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, तो बोलिएगा उद्योगी के पास, उद्योगी के पास, ठीक है। चलिए गरीबी को कौन समाप्त करता है, गरीबी को कौन समाप्त करता है, तो बोलिएगा उद्योग, ऑप्शन बी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बोलेगा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी। 171 नंबर क्वेश्चन है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, तो बोलिएगा आप लोग राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन है प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो आप लोग बोलिएगा छह, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो बोलिएगा आप लोग गुजरात, ऑप्शन डी। दलित पुरुष का नाम क्या था, दलित पुरुष का नाम क्या था, तो बोलिएगा आप लोग राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, ठीक है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो आप लोग बोलिएगा नरक, ऑप्शन बी नरक, ठीक है। चलिए कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है, तो कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम है, राम प्रवेश राम। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है, तो बोलिएगा आप लोग सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी। चलिए विदुर कौन था, विदुर कौन था, बताइए आप लोग, तो विदुर जो था मंत्री था, ठीक है, मंत्री, ऑप्शन बी। चलिए दयानंद का निधन कब हुआ,
दयानंद का निधन कब हुआ तो बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है तो बोलिएगा आप लोग चार, ऑप्शन ए। चलिए विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है तो बोलिएगा आप लोग महाभारत, ऑप्शन बी। चलिए किसका नाम मूल शंकर था तो बोलिए आप लोग दयानंद, ऑप्शन सी दयानंद का, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते, 83 नंबर क्वेश्चन, भिखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था तो आप लोग बोलिएगा एक कोस, ऑप्शन सी। विनय को कौन मारता है तो विनय को जो मारता आकृति मारता है, ऑप्शन सी। 185 नंबर क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं तो बोलिएगा आप लोग प्रियवादी, ऑप्शन सी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए तो बोलिएगा आप लोग विद्यालय, ऑप्शन बी। चलिए स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था तो बोलिएगा आप लोग 1824 ईस्वी में। बिना बुलाए कौन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, बिना बुलाए कौन आता है तो आप लोग बोलिएगा मूर्ख, ऑप्शन सी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं तो बोलिएगा आप लोग भिखन टोला। चलिए जी बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ तो बोलिएगा आप लोग शिक्षक, ऑप्शन बी। चलिए कुल वंश यानी कुल मतलब होता है वंश की रक्षा किससे होती है तो आप लोग बोलिएगा चरित्र से, ऑप्शन सी, ठीक है चरित्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसके जन्म स्थल है तो बोलिएगा स्वामी दयानंद। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था तो बोलिएगा आप लोग कर्मकांडी, ऑप्शन बी। दयानंद का परिवार किसका उपासक था तो बोलिएगा आप लोग शिव का, ऑप्शन सी, ठीक है शिव का। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर है कि 95 नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे श्रेष्ठ है तो आप लोग बोलिएगा धर्म, ऑप्शन डी होगा धर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि कौन हिंदू समाज के त्रिअस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था तो आप लोग बोलिएगा दलित, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया तो आप लोग बोलिएगा मुंबई, ऑप्शन डी। दोष कितने हैं तो बोलिएगा आप लोग छह, ठीक है दोष जो टोटल होते हैं छह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ तो आप लोग बोलिएगा 1875 ईस्वी में। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन है, संस्कार पर्याय कितने प्रकार के हैं तो संस्कार टोटल कितने प्रकार के हैं तो आप लोग बोलिएगा कि आपका आंसर होगा पाँच, ठीक है ऑप्शन ए। चलिए तो 201 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी तो आप लोग का एक 201 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया है तो आप लोग बोलिएगा जी हिंदी में, ऑप्शन ए होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा अयोध्या कांड। वैग्रपाथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है बताइए आप लोग, तो नारायण पंडित होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है नारायण पंडित। कर्णस्य दानवीरता पाठ की रचनाकार कौन है तो बोलिएगा आप लोग भास, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए व्यग्रपाथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है तो बोलिएगा आप लोग हितोपदेश। किस काल में समाज दूषित हो गया था तो बोलिएगा आप लोग मध्यकाल में, ऑप्शन ए।
चलिए हितोपदेश के रचयिता कौन है, हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो आप लोग बोलेगा नारायण पंडित, नारायण पंडित। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है, तो बोलिएगा आप लोग कुबेर, ऑप्शन सी। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया, तो बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा घर, ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो आप लोग बोलिएगा नाटक, ऑप्शन ए। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो आप लोग बोलेगा चित्रकूट, ऑप्शन सी। चलिए समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा दयानंद, ऑप्शन बी दयानंद। हितोपदेश में कहानियों किससे संबंधित है, हितोपदेश में कहानियों किससे संबंधित है, तो आप लोग बोलिएगा पशु पक्षी, पशु पक्षी, ऑप्शन डी होगा। चलिए मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा गंदा हो गया, किसके पीने से गंदा हो गया, तो आप लोग बोलिएगा जी हरिन, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। किसकी शाख, किसकी शाखा देश विदेश में, किसकी शाखा देश विदेश में है, तो आप लोग बोलिएगा आर्य समाज, आर्य समाज, ऑप्शन बी। चलिए रामायण के रचनाकार कौन है, बताइए आप लोग रामायण के रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा आप लोग वाल्मीकि, ऑप्शन ए होगा, ठीक है वाल्मीकि। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, तो आप लोग बोलिएगा मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो आप बोलिएगा कंगन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा आप लोग कर्णभार, कर्णभार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रसाद को खा रहा था, कौन प्रसाद को खा रहा था, तो आप लोग बोलिएगा चूहा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था, सोने का कंगन ग्रहण करो कौन ऐसा बोल रहा था, तो आप लोग बोलिएगा बाघ था, कौन था, तो बाघ था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फुल एनर्जी के साथ, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अब आप लोग का एनर्जी अब डाउन हो जाएगा, तो आप एनर्जी अब कहिया कब आएगा और कब तक रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो बोलिएगा आप लोग सीता को, ऑप्शन सी होगा, ठीक है सीता। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार हैं, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार है, तो बोलिएगा आप लोग वाल्मीकि, ऑप्शन सी होगा वाल्मीकि। चलिए कौन कीचड़ में फंस गया, कौन कीचड़ में फंस गया, तो आप लोग बोलिएगा पथिक, ऑप्शन डी पथिक होगा, ठीक है। सूर्यपुत्र कौन है, सूर्यपुत्र कौन है, तो सूर्यपुत्र जो है कर्ण है, ऑप्शन सी कर्ण। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, तो आप लोग बोलिएगा चित्रकूट, ऑप्शन सी चित्रकूट। चलिए कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, तो बोलिएगा आप लोग इंद्र को, ऑप्शन सी इंद्र को। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ जो था स्वर्ण कंगन देना चाहता था, ऑप्शन सी होगा। चलिए जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं, किए हुए हैं, तो आप लोग बोलिएगा मुनि, ऑप्शन ए मुनि, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन कि कर्ण किस देश का राजा था, कर्ण किस देश का राजा था, तो बोलिएगा आप लोग अंग देश के राजा था, किनका था, तो अंग देश के, ठीक है ऑप्शन सी अंग देश का। चलिए सीता रामचंद्र के कौन थी, सीता रामचंद्र के कौन थी, तो सीता जो थी पत्नी थी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया, तो बोलिएगा आप लोग बाघ, ऑप्शन ए। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन सा उपासना करते हैं, ऊपर कर कौन सा उपासना करते, तो मुनि लोग, ठीक है ऑप्शन बी। चलिए जी कर्ण किसको नमस्कार करता है, कर्ण किसको नमस्कार करता है, तो बोलिएगा आप लोग इंद्र को, ऑप्शन सी इंद्र को, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा, तो बोलिएगा आप लोग बाघ, ऑप्शन सी होगा, ठीक है बाघ। चलिए कुंती पुत्र कौन है, कुंती पुत्र कौन है, तो बोलिएगा आप लोग कर्ण है, ऑप्शन ए, ठीक है कर्ण। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है, तो बोलिएगा आप लोग पर्वत, ऑप्शन डी। दान किसे देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, तो आप लोग बोलिएगा गरीब को देना चाहिए दान, ठीक है ऑप्शन डी। चलिए कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करते थे, तो बोलिएगा आप लोग कौरव के, ठीक है कौरव के पक्ष में युद्ध करते थे। रंग बिरंगे तटों
वाली कौन नदी है, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। महंत्रा भिक्षा याचे या किसकी उक्ति है, किसकी युक्ति है, तो आप बोलिएगा शक्र की, ऑप्शन सी। चलिए किसे धन नहीं देना चाहिए, किसे धन देना नहीं चाहिए, सॉरी किसे धन नहीं देना चाहिए। तो देखिए आप लोग गरीब जो है आप लोग को ये गलत, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। चलिए तो आप लोग का अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये आप लोग लाइक ज़रूर किए होंगे वीडियो को, और यदि हमारे चैनल पे भी नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। पहले लाइक कीजिए, कर लिए होंगे लाइक, उसके बाद आप लोग को सब्सक्राइब करना है चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उसके बाद अब वीडियो को शेयर करना है, सभी जगह वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को दोस्त के पास भी वीडियो जाना चाहिए, आपके सहेली के पास भी जाना चाहिए ये वीडियो। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन शुरू होता है। जल के बीच में कौन तैर रहा है, जल के बीच में कौन तैर रहा है, तो बोलिएगा आप लोग सारस, फूल, सारस या फूल। चलिए दवा किसका मित्र है, दवा किसका मित्र है, तो बोलिएगा आप लोग रोगी का, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हमेशा स्थिर रहता है, क्या हमेशा स्थिर रहता है, तो बोलिएगा आप लोग दान, ऑप्शन बी होगा, ठीक है दान। चलिए जी क्रिया के बिना क्या बोझ होता है, क्रिया के बिना क्या बोझ होता है, तो क्रिया के बिना आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी होगा, ज्ञान, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, तो आप लोग बोलिएगा मंदाकिनी, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो बोलिएगा आप लोग हानि होता है, ऑप्शन बी होता है, ठीक है। चलिए शक्र, शक्र यानी इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है, तो बोलिएगा आप लोग ब्राह्मण, ऑप्शन ए। चलिए रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा आप लोग कालिदास, ऑप्शन बी होगा, कालिदास। हितोपदेश का अर्थ है, हितोपदेश का अर्थ है, तो बोलिएगा हित का उपदेश, हित का उपदेश, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, किसने छल पूर्वक दान कवच और कुंडल ले लिया, तो बोलिएगा इंद्र है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए विशाल नेत्रों वाली कौन है, विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो बोलिएगा आप लोग सीता, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, सीता। चलिए जी देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है, कौन के, तो बोलिएगा आप लोग जी कवच होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए कौन लोभ से प्रभावित हुआ, कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो बोलिएगा आप लोग पथिक, ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो बोलिएगा विनाश की ओर, कहाँ ले जाता है, तो विनाश की ओर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए जी मुनि लोग किन की उपासना करते हैं, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, तो मुनि लोग जो है सूर्य को उपासना करते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। दुराचारी कौन था, दुराचारी कौन था, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा आप लोग व्याघ्र, ऑप्शन डी होगा, व्याघ्र, ठीक है। चलिए कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो बोलिएगा आप लोग कर्ण, ऑप्शन ए, ठीक है, कर्ण का। चलिए कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं, कौन नदी के दोनों को दोनों ओर से घेरे हैं, तो बोलिएगा आप लोग पर्वत, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है, तो बोलिएगा गोश हस्त्र देते हैं, क्या देते हैं, तो गोश हस्त्र देते हैं, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। समय आने पर किसका नाश हो जाता है, समय आने पर किसका नाश हो जाता है, तो बोलिएगा आप लोग विद्या, समय आने पर किसका नाश हो जाता है, तो विद्या का नाश होता है, ठीक है। चलिए कौन सब नदी में स्नान करते हैं, कौन सब नदी में स्नान करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा ऋषि। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो बोलिएगा आप लोग आ शांति, ऑप्शन बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो विश्व शांति जो है निबंध का है, ऑप्शन ए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, अशांति रूपी सागर में के सागर के किनारे कौन है, तो आप लोग बोलिएगा संसार है, ऑप्शन सी। अशांति किसके विनाश का कारण है, तो मानवता, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अशांति के कितने कारण है, अशांति के कितने कारण है, तो आप लोग बोलिएगा दो है, टोटल दो, ठीक है। चलिए देश में अशांति के प्रेरक कौन है, देश में
अशांति के प्रेरक कौन है? तो बोलिएगा राजनेता। ऑप्शन बी शांति का कारण क्या है, बताइए आप लोग शांति का कारण क्या है? तो बोलिएगा आप लोग परोपकार, परोपकार, ठीक है परोपकार। ऑप्शन डी वैर से वैर का शासन, वैर का, वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव होगा, ऑप्शन बी। चलिए परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है? तो बोलिएगा आप लोग पाप के लिए, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए वैरेन, वैरेन वैरसय समनम असंभवम, या किसकी उक्ति है? तो बोलिएगा आप लोग महात्मा बुद्ध। एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलता है? तो बोलिएगा आप लोग उत्कर्ष, ऑप्शन बी उत्कर्ष। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो बोलिएगा आप लोग शीत युद्ध, ऑप्शन डी शीत युद्ध, ठीक है। चले शत्रु राजाओं में क्या बढ़ रहा है, शत्रु राजाओं में क्या बढ़ रहा है? तो बोलिएगा आप लोग कलह, ऑप्शन ए। दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है? तो आप लोग बोलिएगा सार्वभौमिक अशांति, सार्वभौमिक अशांति। चलिए आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? तो आप लोग बोलिएगा अस्त्रों का, ऑप्शन ए। चलिए आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, संकट के समय एक दूसरे से दूसरे देश को क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए ईर्ष्यों, एक मिनट, आपका ईर्ष्यों से किसका जन्म होता है, ईर्ष्यों से किसका जन्म होता है? तो बोलिएगा असहनशीलता, असहनशीलता, ठीक है। चलिए यह मेरा है या तुम्हारा, ऐसा कौन मानता है? तो लघु बुद्धि वाला, लघु मतलब छोटा बुद्धि वाला, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? तो आप लोग बोलिएगा स्वार्थ का, ऑप्शन डी। व्याकरण के रचनाकार कौन है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो बोलिएगा आप लोग पाणिनि, ठीक है, ऑप्शन बी। शास्त्रों मानवों को किसका बोध करता है, किसका बोध करता है? तो बताइए आप लोग, तो बोलिएगा कर्तव्य, 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 ठीक है। शास्त्र क्या होता है, तो शास्त्र जो होता है नित्य होता है, ऑप्शन बी। चलिए शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो मानवों के लिए। चलिए शास्त्र किसके द्वारा रचित है, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों को, ऑप्शन डी। चलिए कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो कृषि विज्ञान का प्रवर्तक जो है पराशर है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए जी आपका अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता, चरक संहिता की रचना किसने की? तो बोलिएगा चरक, ऑप्शन सी, ठीक है। आर्यभट्टनामा ग्रंथ किनका है, तो आर्यभट्ट का, ऑप्शन ए। चलिए योग्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, योग्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कौन है? तो बोलिएगा आप लोग पतंजलि, ठीक है। निरुक्त के रचयिता कौन है, तो यश बोलिएगा। चलिए जी ये सभी 300 तक आप लोग को रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आपका 300 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है कि वेदों के कितने अंग है, बताइए आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होता है, अभी हम ऊपर बता चुके हैं। तो बोलिएगा आप लोग 68 नंबर ये क्वेश्चन है कि शिक्षक कैसा था, शिक्षक कैसा था? तो बोलिएगा नवीन सृष्टि संपन्न, नवीन सृष्टि संपन्न। ब्राह्मण के भेष में कर्ण, कर्ण के भेष में, सॉरी ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है? तो बोलिएगा इंद्र, ठीक है। चलिए प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो बोलिएगा आप लोग संस्कारों से, ठीक है। चलिए इंद्र क्या चाहते हैं, तो इंद्र चाहते हैं भिक्षा, ठीक है, इंद्र चाहते हैं भिक्षा। छात्रों के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है? तो बोलिएगा आप लोग अध्ययन। चलिए वाघ कहाँ बैठा था? तो बोलिएगा तालाब के किनारे, तालाब के किनारे, ठीक है। चलिए जी पटना का इतिहास, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो बोलिएगा 2500 वर्ष, क्या बोलिएगा? तो 2500 वर्ष, ठीक है जी। चलिए स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलिएगा आप लोग मूल शंकर। तो यदि आप लोग हिंदी का 400 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं और आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट दिन हिंदी है, तो आप लोग ये वीडियो को कम से कम 50 लाइक, टारगेट 50 लाइक है, ठीक है, 50 लाइक आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हम हिंदी का 400 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को 50 प्लस इस वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो बोलेगा वाल्मीकि, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, वाल्मीकि। कालिदास की रचना कौन सी है, कालिदास की रचना कौन सी है? तो बोलेगा रघुवंशम, ऑप्शन सी। नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है? तो बोलेगा आप लोग पर्वत, ठीक है। दानवीर कौन था, दानवीर कौन था? तो आप लोग बोलेगा दानवीर जो था कर्ण था, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, कर्ण।
चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो बोलिएगा आप लोग संसार। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्यों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो अपने घर में, अपने घर में, ठीक है, अपने सॉरी शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्यों को कहाँ भेजा जाता था, तो बोलिएगा आप लोग अपने घर में, ठीक है। और शायद और क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए निर्गति लोगों के प्रथम कौन है, तो बोलिएगा आप लोग आलसी, ठीक है। चलिए प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में, गुरु घर में, ठीक है। धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन, क्या करते हैं, तो भोजन, ठीक है। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति व्यक्ति प्रति क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो बोलिएगा पटना, ठीक है। अपने ओर पराय का गन्ना कौन मारता है, तो बोलिएगा संकुचित हृदय वाला, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अब वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। 400 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हुआ, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे देखिए हम बोले 400 क्वेश्चन, हम 400 क्वेश्चन कर चुके हैं, और यदि आप लोग को ये तो करना है कि आप लोग को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और आप लोग का अपना परिवार इंतज़ार कर रहा है, तो आप लोग अपना परिवार में जल्द से जल्द फैमिली नया परिवार में आकर आप लोग जुड़िए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।